तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बाद भारत समेत ज्यादातर देशों ने वहां के अपने नागरिकों को निकाल लिया है। अब तक सैकड़ों लोगों को भारत सरकार निकाल कर देश वापस ला चुकी है। इन हालातों में कुछ ऐसे भी लोग काबुल में फंसे नजर आ रहे हैं जो भारत वापस नहीं आना चाहते। इस संख्या 70 से 80 के बीच बताई जा रही है। दरअसल अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं का अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं, इसके लिए वो भारत से भेजी गई फ्लाइट छोड़ रहे हैं। इन हालातों में भारत सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के दिनों में भारत से भेजी गई कई फ्लाइटें खाली लौटी है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंदोल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के गुरुद्वारा करते परवान में मौजूद 70 से 80 अफगान सिख और हिंदू भारत वापस नहीं जाना चाहते, वो कनाडा या अमेरिका जाना चाहते हैं। चंदोक ने कहा, ये लोग न केवल फ्लाइट छोड़ रहे हैं बल्कि नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। इधर गुरुद्वारा में मौजूद सिखों के नेता तरविंदर सिंह ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। इस वीडियो संदेश में भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें भारत नहीं आना, उन्हें अमेरिका या कनाडा जाना है। अफगानिस्तान में मौजूद एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, अमेरिका या कनाडा जाने के लिए रास्ते तलाश करने में बुराई क्या है? हम जानते हैं कि लोग भारत गए उनकी क्या हालत है। भारत में नौकरी के अवसर नहीं है और उनमें से कई लोग या तो अफगानिस्तान वापस आ गए या फिर अन्य देशों में चले गए। बता दें कि तालिबान ने पिछले रविवार को काबुल पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद भारत अफगान राजधानी से पहले ही भारतीय राजदूत और दूतावास के अन्य कर्मियों समेत 200 लोगों को वायु सेना के 2 C-19 परिवहन विमानों के जरिए यहां से निकाल चुका है। इसके बाद से लगातार आम नागरिकों को निकालने का काम जारी है।